बोलूंगी मैं. आई थिंक लोग गाली ज्यादा देते हैं बट हाँ मतलब लोगों का काम है गाली देना एंड आई एम लविंग इट. आई थिंक अटेंशन बोलूंगी, ज्यादा अटेंशन मिल रही है अब एंड वी बोथ लव अटेंशन, वी आर एंजॉयिंग इट. क्या इसमें आई थिंक कि ऑब्वियसली अगर लोग देख रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है और अगर थोड़े बहुत फैंस बन जा रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. मैं चाहती हूँ कि और भी फैंस बने और भी लोग देखें उसको सो दैट शो और आगे जाए. और आपने बोला कि हम सब ऐसा नहीं कि एकदम इंस्टेंटली आगे, थोड़ी बहुत कोशिश तो कर ही रहे थे इंस्टाग्राम से लेके चीज़ें करना, बट अभी बिकॉज शो आ गया तो हम इट्स लाइक मास ह्यूज लोगों ने देखा, दैट्स व्हाई. बच्चों को आगे बढ़ते देख के तो सबकी माएँ खुशी होती हैं तो हम भी बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि उर्फी के साथ सब आगे बढ़े सब. तो अच्छा है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लगता है अंदर से, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सबको फेम मिल रहा है, ठीक है आगे बढ़े और ज़्यादा, मतलब सब या मतलब इंक्लूड मेरा बेटा भी थोड़ा आगे बढ़े. सो इट वॉज स्मितल जो प्रोड्यूसर है, स्मितल उर्फी स्मितल से मिली एंड दे मेट एंड दे लाइक ओके ठीक है कुछ कर सकते हैं, स्मितल वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट. तो फिर उसने बोला ठीक है ये, देन बाकी सब फिर हम लोगों से मिले और वो लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड थे फैमिली से, दे वो लाइक ओके ठीक है. फैमिली में सब्सटेंस के नाम पे बहुत सारा सब्सटेंस है, आज की लैंग्वेज में कंटेंट कंटेंट बोले तो, सो दे थॉट कि वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट टू गिव एंड देन इट हैपेंड. अभी ये रियलिटी शो है, मैं ये बोलूँगी अब इसमें फैशन के अलावा उसकी जर्नी है, उसके अपने लोग हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमने किया है वो ऐसा तो नहीं कि हमें डायलॉग मिला हो, स्क्रिप्ट मिला हो तो हमने बोल दिया है. जो कुछ हमने बोला है, जो कुछ हमने किया है वो हमारे अपने विचार हैं. एंड अब अगर आप बोल रहे हो कि उतना मतलब जितना होना चाहिए उतना जा नहीं पाए, देखो वो एक अकेली लड़की है, वो पूरा शो अपने उस पर भार पर अभी कैरी कर रही है बिकॉज लोग हमें नहीं जानते हैं, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सिर्फ उर्फी को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए और उसने ये शो इस लेवल पे लेके आया कि वो पहले टॉप 1 में था, 3 में था, अब इंडिया में टॉप 10 में है, तो इट्स अ ह्यूज थिंग. लाइक लॉट्स ऑफ पीपल जिनके शोज आते हैं एंड फ्रॉम अ पर्सन जो फ्रॉम बीइंग नोबडी टू बीइंग समबडी एंड देन गेटिंग अ रियलिटी शो और उसके साथ फैमिली और एक अकेली लड़की के कंधे पे शो को ह्यूज सक्सेस करने का जो भार है, आई थिंक इट्स गुड. तो मैं नहीं बोलूँगी कि उतना कोई बात नहीं, मे बी अभी नहीं बाद में हो जाएगा, जब लोगों को ज़्यादा पता चलेगा इसके थ्रू चीज़ों के थ्रू इट विल बी मोर सक्सेसफुल. आई थिंक हमारे अंदर अभी सिर्फ की सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है बिकॉज सब लोग उर्फी को जानते थे, हमें कोई नहीं जानता था. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हम लोग को कोई नहीं जानता था और जिस लेवल पे ये शो गया है, इट वॉज यू नो नंबर 1 ऑन Amazon Prime, it's still on number 3 today on Amazon Prime. उस हिसाब से देखा जाए फॉर समवन लाइक अस, वी आर उसके सामने वी आर जस्ट कॉमन पीपल. तो हमारी लाइफ लोगों ने देखी एंड देन पसंद करी हम लोगों को, देन आई थिंक दैट्स अ बिग डील. क्योंकि आजकल बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जिनको लोग जानते हैं उनको इतना प्यार नहीं मिल पाता है जितना अभी हम लोगों को मिला है, कंसिडरिंग दैट वी वर नॉट फेमस. सी अभी जब हम कर रहे थे शूट करने का तो ऐसा लगा ही नहीं कि कैमराज हमारे आस पास हैं, बहुत स्ट्रेसफुल था भाई. I would say it was very stressful because like we are जैसे बोलते हैं dysfunctional family जो उसका title है, we are very dysfunctional और कहीं भी बैठ के ऐसे बात करो तो it automatically turns into an argument और लोग वो देख रहे हैं, मम्मी तो बहुत परेशान थी कि ज़माने को तुम लोग क्या दिखा रहे हो, असलियत दिखा रहे हो अपनी. तो obviously stressful था और लोग judge करते हैं, बात करते हैं, judge करो बात करो देखो. पर्सनली फॉर मी आई एन्जॉय द शूटिंग पार्ट, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं था ऐसा, जो घर में हो रहा है वो तो हो ही रहा था क्योंकि कुछ स्क्रिप्टेड तो था नहीं. तो इट वॉज नाइस कि चलो अब बार बार देखूंगी झगड़ा ये जो हो रहा है, बार बार टी वी पे जाके रिकॉर्ड ही हो रहा है, चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है झगड़े का. ओके तो बेसिकली उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में फॉलो कर लो यार लिखा था. तो पहले बहुत सारे नाम आ रहे थे कि क्या रखें क्या ना रखें, 2-3 और नाम थे. फिर उसके बाद किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि उर्फी के बायो में फॉलो कर लो यार लिखा है, क्यों ना इसी को रख देते हैं नाम. सो वहाँ से आइडिया आया.
हम इससे भी ज्यादा करते हैं, हमें जो जो बेचारे लोग जो बिहाइंड द कैमरास थे उनको बेचारे बीच में आके बोले थे बस करो प्लीज मत लड़ो आप बस करो. इन जेन्युइनली यस, लाइक आई थिंक कि जब हम साथ में बैठते हैं बहुत सारे डिसएग्रीमेंट से, क्योंकि हम साथ में कभी भी बैठते हैं ऐसा होता है और हम लोग आई तो जस्ट वॉक आउट, तो ऐसा होता है कि वो उधर चला गया वो उधर चला गया, पर अभी हम बैठेंगे और एक कॉन्वर्सेशन दूसरे में लीड कर रही है, तीसरे में लीड कर रही है, यस वी फाइट अ लॉट. कोई विनर नहीं है, सब अपने में विनर है, सब लड़ते हैं फिर वापस से बात करने लग जाते हैं 2 सेकंड में, तो छोड़ देते हैं हम तो इन लोगों के ऊपर, छोड़ दे अपना लड़ो, हम नहीं ज्यादा बीच में आते भाई, लड़ लो आपस में, हमें पता है लोग लड़ेंगे फिर बात करने लगेंगे. बचपन में तो बहुत झगड़े हुए हैं, कपड़ों को लेके, ज्वेलरी को लेके, हर चीज को लेके, बट अब तो अब कपड़ों को लेके तो उतना नहीं होता, कपड़ों ज्वेलरी को लेके अब तो जिसको जो पहनना है पहनो, कोई मतलब नहीं, अब थोड़ा मैच्योर हो गए सिर्फ कपड़ों को लेके. देखो मैंने तो उर्फी को बोला तुम अच्छा कर रही हो ठीक है मैं, आप बनो हमको, वो बोल रही थी अच्छा मैंने तुम लोग के लिए ये पेड़ उगा के दिया, मैंने बोला ठीक है मैं खा रही हूँ फ्रूट और मैं बहुत अच्छे से खा रही हूँ चलेगा मुझे. बट सीरियसनेस, आई एम सीरियस बट समटाइम्स इट्स लाइक कि कंफ्यूजिंग है कि क्या करें. जेन जी फिगर्ड इट आउट, उर्फी फिगर्ड इट आउट, आई डोंट नो विद बीइंग द एल्डेस्ट वन आई स्टिल डोंट नो कि क्या करना है क्या नहीं, बट ठीक है अभी जहाँ जा रही है जिंदगी जा रही हूँ ना मैं, सही जा रही हूँ मैं. जब कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो कर लेंगे, मतलब वो तो हमें लड़कों से पूछना चाहिए. और उर्फी का तो वी तो वॉन्ट टू गेट मैरिड सून, आई वॉन्ट उरूसा टू गेट मैरिड सून. उर्फी तो क्या ही मतलब, बट उरूसा सबसे बड़ी बहन की पहले शादी होगी. हाँ, ऐसा कुछ नहीं बड़ी, हम ऑर्डर में जाएंगे इस घर में, स्टार्टिंग इधर से ही होनी चाहिए, स्टार्टिंग इधर से होनी चाहिए. वो स्पॉटिंग जब वो जब मीडिया आई थी वो स्पॉटिंग करा रही थी, कुछ बच्चे थे, बच्चे तो नहीं बोलूंगी आई वुड से बदतमीज, वेरी बैड अपब्रिंगिंग, तो वो जाते जाते दे वर लाइक पासिंग कमेंट्स कि आपका बॉडी काउंट कितना है. ओके अब प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट एंड दिस इज वेरी रॉन्ग कमिंग फ्रॉम यंग जनरेशन, इट्स रॉन्ग. आई थिंक शिवलरी मैनरिज्म हैज गॉन, प्लीज टीच योर किड्स टू बी वेरी to be nice to women and not even women, to be nice to other human beings, animals, everyone. और ऐसे बदतमीजी करते हुए आप नहीं जा सकते, शैतानी अलग बात है बदतमीजी अलग बात है, बहुत ही थिन लाइन है. कुछ 3-4 बच्चे थे मेरी एज के थे, तो आई फील है कि जो आजकल की जनरेशन है उनको ना कूल ज़्यादा बनना होता है, एंड कैमराज भी थे वहाँ पे, तो आई थिंक उनको लगा कि चलो स्टक बनते हैं कूल दिखेंगे यार मीडिया में आएगा, सो आई थिंक दैट्स इट. बट इट्स जस्ट बदतमीजी, उनके लिए मजाक है, बट आई मस्ट से इट्स जस्ट बदतमीजी एंड जीरो मैनर्स, डिसरिस्पेक्टफुल. गंदी तो बहुत बोलते हैं, एक तो ये रिलीजन को लेके भी इतना बोलते हैं, हम तो दोनों तरफ से पिटते हैं पता नहीं बिना बात के खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, बहुत बहुत गंदे कमेंट आते हैं, हम भी आते हैं बहुत. और टैकल क्या, पहले तो कमेंट करते थे, हमें तो ज्यादा ही बोलते हैं कैसी माँ हो कैसी मम्मी हो क्या बच्चे की परवरिश की है, डाल देते क्या करना है, वो बोले बोलना तो हम कौन उनको पर्सनली जानते भी नहीं है ना. मगर हमें ये लगता है कि आप अगर किसी कमेंट कर रहे हो इतना गंदा, तो फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे जाके क्यों देख रहे हो, मत देखो ना, अगर हम इतने खराब लग रहे हैं आपको तो क्यों देख रहे हो, फिर हमें बोल रहे हो आपको कब्र में नहीं जाना है, क्या परवरिश है आपकी, कैसी लड़कियाँ पैदा की, कैसी माँ हो, अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो हमें फॉलो कर लेना. वही तो चाह रही कौन, वही तो पूछना चाह रहे कौन, कोई ऐसा कुछ भी नहीं. वैसे तो शाहरुख खान मेरा फेवरेट है, बस नेक्स्ट वाला आंसर देखो मैंने बोला तो वैसे तो मैं जानती हूँ, बस डेस्परेट नहीं लगना चाहिए कि हम डेस्परेट हैं. मैं तो नहीं, हम नहीं डेस्परेट नहीं लगना. Maybe I had a crush बचपन से Leonardo DiCaprio पे, but I'm not 25 anymore, but I still want him to follow me. I would say keep loving us and please follow कर लो यार को, बार बार देखो, बार बार follow करो, keep loving us, be invested in our कलेश, और हम लोग के झगड़ों में अपनी टिप्पणी दो मुझे वो भी चलेगा, but yeah, and to all the people who are loving us, thank you so much for loving us, and please watch, follow कर लो यार again and again. जिन्होंने फॉलो कर लिया उनके लिए थैंक यू, और हम चाहते और लोग फॉलो करें ताकि सीजन 2 बने. आई वुड से कि जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया एंड जो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं फिर उन्होंने ये भी फॉलो किया, थैंक यू. बाकी जो हेटर्स हैं प्लीज हेटर्स मोर,
और हेट करके चार पांच बार और देखो और डायलॉग याद करो, वायरल करते हैं रिपीट देम। और जितना भी हमने इतना जो बिचारी अपनी कहानी घर घर की इधर रख दी है, हमारी कहानी कलेश की आप देखते रहिए। फर्स्टली थैंक यू सो मच, एंड हमें खुद को देखे तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग थी। थैंक यू सो मच पहली चीज़ तो। और मुझे जैसा लग रहा था ना कि कैमरा पे दिखूंगा, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट था उस चीज़ को लेके, तो जब स्क्रीन पे देखा तो लगा हीरो आ गया भाई, ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और पोस्ट प्रोडक्शन टीम वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया, ब्यूटिफुली दे ब्रॉट आउट दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई वॉज रियली एक्साइटेड, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसका रियलिटी शो का, आई गेस 2 years से वी वर मैनिफेस्टिंग दिस एंड फाइनली इट्स हैपनिंग एंड आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट इन्जॉइंग इट, लाइक एवरी वन कैन सी दैट। ये हम बैठ के डिस्कस ही करते हैं, मैं और वो साथ में ही डिस्कस करते हैं, वो क्रिएटिव आइडियाज लाती है, मैं उसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सो यार इट्स लाइक वो दोनों मिल के ही काम करते हैं। उसको कुछ नहीं पसंद आता है, वो कहती फिर से बना के लाओ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इट्स नॉट ईजी जो बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं सारे डिज़ाइंस, इट्स नॉट ईजी, इट्स टेक्निकल्स ऑल्सो नॉट, इट्स जस्ट नॉट द डिज़ाइन नाउ, इट्स टेक्निकल, लाइक इंजीनियर्स आर देयर। अच्छा लगा शो में काम करके, मैं ग्रेटफुल हूँ जो मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है उर्फी की वजह से। कोई भी रैंडम टॉपिक, लड़ाई तो कभी भी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कपड़ों को लेके, इसको लेके, कोई इसकी बात चुप गई, इन सब चीज़ों को लेके लड़ाई हो जाती है। लाडला है ये और डॉली दोनों तो, यू नो मम्मी के लाडले हैं, और इसकी तो हर विश पूरी की जाती है, जो समीर कह दे वो होता है अनग्रेटफुल। नहीं ऐसा हर चीज नहीं पूरी होती है। किसको मिला PS5 शो में? और अभी इनके वन लाइनर्स आए नहीं है अगले सीजन, अभी तो थोड़ा कैमरा के सामने पहली पहली बार था ना, अभी देखिए ये कैसे अनफोल्ड होते हैं। वियर्ड, हमारे लिए तो सभी यूनिक एंड वियर्ड है अगर देखा जाए। सबसे नॉर्मल पूछना, सबसे नॉर्मल भी नहीं याद है मुझे, अब मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल भी नहीं याद है, वियर्ड तो नहीं कहेंगे, वियर्ड तो नहीं बनाया है कभी, वियर्ड लगा है लोगों को, बट हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है चीज़ें, बट आई गेस वियर्ड नहीं, बट सबसे यूनिक मैं बात करना चाहूँगी, वियर्ड तो आप अपने कपड़ों को मैं खुद वियर्ड नहीं कहना चाहूँगी, सो सबसे यूनिक जो मैं बनाया है मैंने वो है मेरी 100 kg की ड्रेस विच वॉज शोन इन द शो, या सो इट वॉज 100 kg एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 months। मेरी फेवरेट वही है बिकॉज इट वॉज लॉन्च ऑन माई बर्थडे, सो बेस्ट था मेरे लिए, एंड नो वन हैज़ डन दिस टू इन इंडिया, सो या दैट्स माई फेवरेट। इन जनरल आई रियली लाइक दैट there is this bandeau top, you know, just pe this follow kar lo yaar, wo na the technical thing, I really like that, yeah. Actually no, strip top I like that one, just mini gol sa hai aur ki dress ke aage, and the blade one, yeah, the so blade one. Jab maine pehli baar dekha tha, I was like oh my god ye kaise kiya, there's something, yeah. Yeah, that caught my eye, mujhe lag raha hai thoda jaldi jaldi follow karo taki season 2 aaye. We are waiting for season 2 now. जेन्युइनली बहुत मिल रहा है, डीएम्स भरे हुए हैं, आप लोग ये मत समझिएगा कि आदमी बड़ा हो गया है, हम लोग बड़े हो गए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मिला है, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा, और जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे और ज्यादा दे दिए। मिक्स्ड है, लाइक यू नो कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गुड पार्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी, बट कभी अंदर नहीं गया मैं, अंदर पहली बार ले गए वो भी कैमरा के सामने, तो जैसा मैंने दिया ना एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस वो सब जेन्युइन थे, पहली बार मैंने वो दुनिया देखी, और उसमें से कुछ सीन्स कट हो गए हैं जिसमें से हम और डॉक्टर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसका बोटॉक्स करो, मैंने कहा भाई बोटॉक्स, हाँ एग्जैक्टली पीछे पड़े थे, और उर्फी और उनको बोल रही है कि नहीं इसका तो आज करवाना पड़ेगा, हमने कहा नहीं ये सिरिंज नहीं जाएगा, हमने कहा मेरे चेहरे में कोई खराबी आप बताइए, कुछ डिफेक्ट हो आप ठीक कर दिए, हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा है अपना चेहरा, अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो आप कर दीजिए। नहीं नेक्स्ट सीजन में मैं कर प्लान कर रही हूँ इन लोगों के लिए अच्छे अच्छे आउटफिट बनाऊंगी, फुल कट जिसमें से एयर पास हो पूरी, फुल फुल हीरो वाली वाइब आएगी। भैया हमें चाहिए सिर्फ मेरा सल्लू भाई, सल्लू भाई मुझे फॉलो करिए क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ,
So initially when we started this, it was something very different which we were doing it. It was like out of the box. Like किसी ने किया नहीं है अतरंगी कपड़े जो भी लोग बोलते थे. So trolling तो starting से ही हो रही है. But मैंने और उसी ने कभी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया. From the start only, not even 1%. ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं कि हम सोचते नहीं हैं. It's always there that people are talking about it. But there are people, they're gonna talk about it, right? So इतना हमें bother नहीं करता है. कभी कभी अगर ऐसा लगता भी हो तो मतलब क्या फायदा, सोच के कोई फायदा नहीं है. दे आर नॉट पेइंग आवर बिल्स सो वी आर गुड. सी मोस्टली ना फेक आईडीज ही होती हैं जो ये सब फालतू चीजें करती हैं. ना उन्हें ट्रैक कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. तो जब तक कि कोई सामने आके नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि इस इंसान में हिम्मत नहीं है रियल आईडी से कमेंट करने की, तो मैं क्या ही ध्यान दूं. तो आई जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट एज मच ऑन सोशल मीडिया. फेमस एंड फेवरेट पहले प्रपोजल इन्होंने किया था. फिर दोबारा प्रपोजल मैंने किया. फिर दोबारा मैंने फिर किया. अरे शादी अभी तो करियर बनाना है. कुछ कमाएंगे तो करेंगे. ऐसे कैसे शादी का सवाल इतनी जल्दी कैसे आ जाता है समझ में नहीं आता. अभी तो शुरू हुआ है. अभी तो काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को स्टैंड करना है. हाँ. तो शादी वाला तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए. अभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं पहली बार पहला शो है. हम लोग बहुत छोटे हैं अभी. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए, फॉलो कर लो यार. इट्स लाइक रियली स्वीट सिंपल वेरी रियलिस्टिक शो एंड आई एम श्योर यू लव अस. एंड देन आई कैन प्राउडली से दैट इट इज लाइक द वन ऑफ द बेस्ट शो रियलिटी शो इन इंडिया. काफी एंटरटेनिंग है, काफी कलेश है. जिसको कलेश अच्छा लगता है वो जाके देखे.